खुशरू आपका स्वागत करते हुए द न्यूज टॉक चैनल में। गन्ने के खेत में मिले हैं बिखरे पड़े 2,000 और 500 के नोट, लूटने वालों की मच गई है होड़। तो चलिए जानते हैं कहां का ये मामला है और वहां पर कितने पैसे थे, पुलिस वालों का क्या कहना है, खेत मालिक का क्या कहना है, पूरी अपडेट आप लोगों को बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर एक गन्ने का खेत है। गन्ने का जो खेत है वो सीताराम का है। सीताराम के जो मजदूर है वो गन्ने की फसल काटने के लिए वहां पर गए थे और फसल लगाने के लिए वहां पर गए थे, देख रेख करने के लिए वहां पर गए थे। और वहां पर जाके जब उन्होंने देखा वहां पर पूरे खेत में 2,000 और 500 के नोट जो है वो बिखरे पड़े। इसके बारे में धीरे धीरे जानकारी जो ग्रामीणों को हुई, ग्रामीणों की वहां पर होड़ मच गई, लोगों ने वहां पर पैसे उठाने शुरू कर दिए। उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस वालों को इसकी जानकारी दी और पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचे तो तभी के तभी उन्होंने एक्चुअली में वो पूरे पैसों को बरामद किया और लोगों को, लोग जो लूट चुके थे उनसे भी बरामद किया गया है। बोला जा रहा है कि किसी चोरों ने यहाँ पर पैसे फेंक दिए होंगे या चोरी के मारे वो यहाँ पर कहीं पर चोरी की है और यहाँ पर वो पैसे गाड़ के गए थे और गाड़ के जाने के बाद अभी ग्रामीणों को इस पैसे के बारे में पता चल गया, इसलिए ग्रामीण जो है वो लूट मचा रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों का ये भी मानना है कि शायद ये पैसे जो है वो नकली हो सकते हैं, इसकी अभी जांच होना बाकी है। उस दौरान ही ग्रामीणों का कहना ये है और उन मजदूरों का कहना ये है कि जब हम लोग खेत के अंदर गए तो वहां पर एक कपड़े में कुछ चीज लपेटी हुई थी और जब डर के मारे उसको खोल ही दिया तो उसके अंदर से काफी सारे ढेर सारे पैसे निकलने लगे, जो कि 2000 की गड्डियां, और उस दौरान ही वहां पर 500 रुपए के नोट भी गिरने लगे, जिसके कारण उन्होंने भी उठाया और उस दौरान ही वहां पर काफी सारे लोगों की भीड़ भी बच गई। अभी लोगों का कहना ये है कि कुछ दिन पहले नजदीकी करियाने की शॉप में 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी, तो शायद ये पैसा वो ही हो सकता है। पर वहां पर आशंका ये जताई जा रही है कि अगर 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी तो वहां पर 1.15 लाख रुपीज ही मिले हैं, तो बाकी के पैसे कहां पर चले गए। अभी पुलिस वाले इसकी जांच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को जानकारी हमारे तरफ से अपडेटेड लगी होगी। अगली जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।